आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को मार गिराया। बैडमिंटन ओपन में फूटा कोरोना बम, श्रीकांत समेत 7 खिलाड़ी हुए पॉजिटिव। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, शामिल होंगे पीएम मोदी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केस आए सामने। चुनाव में गूंजेगा मनोज तिवारी का नया गाना, मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, अखिलेश पर भी कसा तंज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज यहां कोरोना की स्थिति विस्फोटक रही। राज्य में कोरोना संक्रमण के 2915 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामले 8018 पहुंच गए हैं। इधर 3 मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में सक्रिय मामले 8000 के पार है, जबकि देहरादून जनपद में कोरोना के सबसे अधिक 3412 सक्रिय मामले आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 1389, नैनीताल में 1625 और ऊधम सिंह नगर में 502 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर मकर संक्रांति के स्नान पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है, जिसको लेकर नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने अपना पहरा बढ़ा दिया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। तो बड़ा फैसला लिया गया है। मकर संक्रांति को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी गई है और इसी रोक और साथ ही दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए अब प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, मकर संक्रांति के स्नान पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसको लेकर नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने अपना पहरा भी बढ़ा दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर स्थित गौड़ाखाली गांव में आबादी के बीच बने मछली तालाब में शारदा नदी से भटककर घुस आए मगरमच्छ को ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पकड़े हुए मगरमच्छ को आबादी क्षेत्र से दूर शारदा नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ शारदा नदी से क्या कहते हैं गौड़ाखाली गाँव में आ गया था, ये मछली के तालाब में, तो इससे जानमाल का पूरा खतरा था। ये धूप सेकने का जब बाहर आता था तब इसको गांव वालों ने, ग्रामीणों ने देखा, फिर मैंने अपनी पूरी रेस्क्यू टीम भेज के, सादा रेंज की रेस्क्यू टीम भेज के इसको पकड़वा के बनबसा। खबर धनौरी से है, जहां रतमऊ नदी के पुल पर 3 अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश युवक को मरने की हालत में छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल 24 जनवरी को मैं भाई के यहाँ आया हुआ था होटल पर, और यहाँ से शाम के टाइम में जब घर जाने लगा लगभग 8:30 बजे के लगभग, मैं रतमऊ नदी का पुल पार करते ही मेरे पीछे से अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार कर दिए लोहे की रोड से मेरे सिर पर, और मैं मरणासन हालत में वो मुझे छोड़कर और बेड़पुर चौराहे की तरफ भाग गया। अमित कुमार सैनी है, बीजेपी का जो है वो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश कोषाध्यक्ष है, मुख्य आरोपी वो था इसमें, जो कल जेल चला गया। लगता था कि इसने नदी नाले की जमीन के ऊपर जो इधर से इलाके का पानी जाता है, तो इसने उस पर जो है मकान बना लिया और
मकान बनाने के बाद जो है वो पानी का रास्ता अवरुद्ध हो गया, हमारे मकानों में पानी भरा था, मार्केट में धुनोरी के पानी भरा था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ जो है एक जनहित याचिका डाल ली थी, हाई कोर्ट ने जीता। उसके बाद जो है ये मेरे से रंजिश रखता था और इसी कारण जो है इसने मेरा ऊपर जो है जान। हरिद्वार के सिडकुल स्थित धागा बनाने वाले अल्प्स इंडस्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना मिलते ही फायर स्टेशन के 3 फायर टैंकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। वहीं कड़ी मशक्कत करने के बाद करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि घटनास्थल पर पहुंचे फायर यूनिट प्रभारी ने स्पिनिंग मशीन से निकली चिंगारी को आग लगने का कारण बताया। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और बर्फ के बावजूद पर्यटक कई स्थानों पर पहुंच रहे हैं और प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को कुछ समस्याएं जरूर हो रही हैं, जबरदस्त बर्फबारी, ट्रैफिक कई जगह फंस गया है और पौड़ी में एक नेशनल हाईवे को खोलने का काम भी चल रहा है। तो वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी होने से कुछ मुश्किलें बनी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी के कारण कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर आचार संहिता लागू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता से चुनाव पर जनता से बातचीत की है और जनता के मूड को जाना है। चलिए आपको सुनाते हैं आगामी चुनाव में जनता किसको पसंद कर रही है और किसको सीएम के पद पर देखना चाहती है। 10 साल हो गए माननीय विधायक फुरकान अहमद जी विधायक हैं और उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए, कुछ अभी अधूरे भी हैं। उनके जो 5 साल का पहले कांग्रेस कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उनका 5 साल का कार्यकाल वो रहा, वो बहुत बेहतर रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय विधायक जी फुरकान अहमद कांग्रेस से विधायक थे, तो इस बार थोड़ा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो अपनी सरकार में कर पाए थे। देखो, सरकार का भी फर्क पड़ता है, ये आप भी जानते हो और हम सब जानते हैं। यदि अपनी सरकार उनकी होती तो आज कलियर में अलग ही चमन खिला हुआ होता। कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय विधायक फुरकान अहमद जी का यहाँ पर वर्चस्व हुआ। प्रदेश की बात कर रहे हैं या सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं? करियर विधानसभा की बात तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि इस बार बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे, उसकी वजह यही है कि बीजेपी ने मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे मकानों के लिए बहुत सारा पैसा दिया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और डायरेक्ट पैसा उनके खाते में आया है, सिलेंडर दिया है, मतलब कोई भेदभाव बीजेपी ने मुस्लिम्स के साथ नहीं किया है। खबर रुड़की से है, जहां विधानसभा से 3 दिन पहले टिकट की दावेदारी करने वाले शहर के जाने माने समाजसेवी और भाजपा नेता के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते बीती शाम आदर्श नगर में हुई भाजपा की एक बैठक में भाजपा के बहुत से नेता उनके पक्ष में दिखाई दिए। बता दें कि बीती शाम आदर्श नगर में भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर राय शुमारी के लिए एक बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा से शहर के ज्यादातर नेता पहुंचे थे और इस नेताओं के द्वारा टिकट की दावेदारी कर रहे और अपनी पसंद के 3 दावेदारों के नाम लिखकर वोटिंग करनी थी। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की ओर से राय शुमारी कहते हैं जो कार्यक्रम होता है, सब मुख्य कार्यकर्ताओं यहाँ के रुड़की के नगर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी जो रुड़की विधानसभा क्षेत्र 31 में रहते हैं, उनसे सबकी राय ली जाती है कि आप किस प्रत्याशी के लिए किसकी दावेदारी स्वीकार करते हैं, किसको चाहते हैं। तो वहाँ पर जैसा ही हमने देखा, यहाँ जब से मैं यहाँ पर प्रवेश किया हूँ तब से देख रहा हूँ कि मुझे बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और यह आपने अभी देखा कि जैसे हमारे लिए नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हमारे नारे लगा रहे हैं, तो इसको इस वातावरण को देख के मैं बहुत हृदय से सभी का आभारी हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ इस बात को देख के कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी और विजय श्री भाजपा की होगी। और हम ये खबर नरेंद्र नगर से है, जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों में प्रचार संबंधी पोस्टर और सामग्रियों को हटा दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर रविंद्र कुमार चमोली के निर्देश में और एसएचओ प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस ने नरेंद्र नगर वाल्मीकि बस्ती से लेक बाजार के मुख्य मार्गो से होते हुए कुमार खेड़ा आगरा खाल पकोच और खाड़ी में फ्लैग मार्च किया, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, साथ ही चुनाव आचार संहिता का भी पालन करें, किसी तरह का कोई उल्लंघन ना हो।
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शासन व उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर आदेश निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव आचार संहिता का 100% पालन किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पे व सरकारी भवनों पे जो भी पोस्टर किसी भी प्रत्याशी के लगे हैं उनको हटा दिया गया है। अर्धसैनिक बलों का आगमन प्रदेश व जनपद में हो गया है, जिनके माध्यम से फ्लैग मार्च प्रत्येक जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तहसील स्तर पे व थाना अध्यक्ष पे किया जा रहा है, जिससे जनता में आम सौहार्द पूर्ण निर्वाचन आयोग के संबंध में। लक्सर में पुलिस लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देश में नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में लक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत रायसी पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में बाण गंगा नदी में छापेमारी कर 40 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब और 3000 लीटर लहन बरामद कर नष्ट कर दी। इन शराब माफियाओं के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं में गंभीर मामले दर्ज है, जिनमें से एक आरोपी चांदवीस पर गुंडा एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है। गंगा में जो है टापू पे काफी समय से जो है शराब बनाने की जो है इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग वहां बड़े पैमाने पे शराब बना रहे हैं। लक्सर पुलिस को जब ये सूचना मिली तो लक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई है, और जिसमें 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।